तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है गोल्डन पगोडा। जैसा कि आप जानते हैं कि वियतनाम एक बौद्धिस्ट कंट्री है और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है यहाँ की वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है। तो दालत के सेंटर ऑफ द सिटी में आपको ये इतना बड़ा गोल्डन स्टैच्यू गौतम बुद्ध की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप दालत आते हैं तो आपकी आइटिनरी में ये प्लेस ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप अंदर जाकर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना भी आप टाइम देना चाहें बैठे, बहुत ही रिलैक्सिंग होगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। So pretty and you smile my mind, baby. I'm almost breathing. Tell me why, baby. Do you look so pretty and you smile दालत सिटी का अगर बेस्ट व्यू अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट है ट्रॉली राइड। आप ट्रॉली राइड का जो एंट्रेंस है वहाँ अगर आप आते हैं तो आपको मेरे पीछे देख सकते हैं ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और अगर आप ट्रॉली राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख डोंग लगेंगे, यानी अप्रॉक्स इंडिया का अगर कन्वर्ट करते हैं तो 350 रुपये। कहते हैं कि जिस कंट्री में आप हो वहाँ के फूड को ट्राई करो, वहाँ के लोकल फूड को ट्राई करो। अगर आप वियतनाम में हैं तो वियतनामी फूड बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर आप वियतनामी फूड खाकर के अगर उब चुके हैं और कुछ इंडियन टेस्ट करना चाहते हैं और दालत में हैं आप, तो यहाँ पर एकमात्र इंडियन रेस्टोरेंट है इंडिया गेट। आप यहाँ आ सकते हैं, इंडियन फूड टेस्ट कर सकते हैं और जो प्राइसेज है वो भी बहुत नॉमिनल हैं, जो नेचुरल होना चाहिए। जो और सारे रेस्टोरेंट्स में आपको सेम प्राइसेज मिलेंगे यहाँ पर, और टेस्ट की जहाँ तक बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। So pretty and you smile my baby, I'm almost breathing. Tell me why, baby, do you look so pretty? गाइज, हम दालत के सेंट्रल मार्केट पहुंच गए हैं। ये आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, बहुत अच्छी खासी भीड़ है, बहुत रौनक है। गाइज, यहाँ सेंट्रल मार्केट में थोड़ा ऐसे ही घूम रहा था। वैसे शॉपिंग करने का तो कोई मूड नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे ट्रैवलर हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है, एक्स्ट्रा लगेज वो आपके इसमें एयरवेज में। तो मैंने एयर एशिया की फ्लाइट ली है तो उसमें भी एक्स्ट्रा लगेज इंक्लूडेड नहीं है। वैसे 7 किलो हैंड लगेज अलाउड होता है और ऑलरेडी मैं 8 kgs लेके आया था, लेकिन यार यहाँ जो स्टफ़ मिल रहा है, जो कपड़े मिल रहे हैं, जो क्वालिटी मिल रही है और जिस प्राइस में मिल रही है, दैट्स इम्पॉसिबल टू गेट एनीवेयर। आप यकीन नहीं करोगे, आप ये मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये क्वालिटी इतनी बढ़िया क्वालिटी इंडिया है मैंने अभी तक तो कहीं नहीं देखी है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये सिर्फ 300 रुपये की है यार। 300 रुपये में और क्या चाहिए? और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये आपको सिर्फ 1500 रुपये की आ रही है। और इसकी क्वालिटी आप चेक करोगे ना तो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, और इंडिया में अगर मिलेगी भी ऐसी क्वालिटी तो कम से कम ये आपको 8,000, 9,000, 10,000 मिनिमम चार्ज करेंगे वहाँ पर।
फ्रेंड्स, जब भी आप दालत में मेजर अट्रैक्शंस के बारे में सर्च करोगे तो क्रेजी हाउस का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं क्रेजी हाउस, और लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इट्स रियली क्रेजी। अगर आप दालत में आते हैं और क्रेजी हाउस नहीं देखा तो फिर आपका बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्शन छूट गया। और इसकी एंट्री टिकट है 60,000 डोंग। गाइस, पूरी भूल भुलैया है यार, किधर किधर जा रहे हैं, किधर से निकल रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप दालत में आते हैं और आप इस क्रेजी हाउस में रात गुजारना चाहते हैं तो ये एक तरह से होटल भी है, यहाँ आपको रूम भी मिल जाएगा। अगर आप चेक करते हैं अगोडा या booking.com पे तो वहाँ से आपको अप्रॉक्सी 7 लाख डॉन में मिल जाएगा, यानी इंडियन मनी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 1500 to 2000 में मिल जाएगा, जो कि रियली वर्थ है। एक से डेढ़ घंटे इनफ है इस प्लेस को घूमने के लिए। दो दिन दालत में बिताने के बाद हम वापस जा रहे हैं होचीमिन, क्योंकि मेरी फ़्लाइट होचीमिन से ही है। गाइस, बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसे कहा जाता है पेरिस ऑफ वियतनाम। और वाकई में ये आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हो, इतनी साफ़ सफाई, इतने अच्छे लोग हैं, इतने कोऑपरेटिव लोग हैं। दो दिन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। अब हम वापस जा रहे हैं होचीमिन। आप ये बस देख सकते हैं, ये स्लीपर बस है, एक पानी का बॉटल इन्होंने दिया, बस रिफ्रेशिंग टिश्यू दिया है, और 1000 रुपये टिकट फेयर है। लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है, 7 से 8 घंटे टाइम लगेंगे। तो चलिए फिर होचीमिन सिटी में मिलते हैं।